सर्वोदय नमस्कार, माई सेल्फ मोहित राज, योर मैथ टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू स्टैटिक्स। तो हम लोग स्टैटिक्स के थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में जान रहे थे, उसे इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जाना था, अब यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे। देखिए, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के, पहला एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा इनक्लूसिव फॉर्म। तो पहले आते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म के बारे में और कंटिन्यूस फॉर्म, इसे कंटिन्यूस फॉर्म भी हम लोग कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज एक्सक्लूडेड एंड लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव फॉर्म। मीन्स अपर लिमिट को हम लोग एक्सक्लूडेड हटा देंगे, अपर लिमिट को नहीं लेंगे, बट लोअर लिमिट को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसी को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है, यहाँ पर जैसे 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 28 है। तो हम लोग एक क्लास इंटरवल, क्लास साइज 5-5 का एक क्लास इंटरवल बनाते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो जो पहला यहाँ क्लास इंटरवल है 0 से 5 तक, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है 5 है। इसमें जो डाटा लेंगे 0 से 5, बट 5 को काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट कर सकेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए डाटा में 2 एंड 5 आ रहा है, वाली 2 को लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि अपर लिमिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफिनेशन क्या करा है, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज एक्सक्लूडेड हटा देना है, बट लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जो 0 से 5 के बीच में आएगा वनली 1, 2 आएगा, तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब सेकेंड है 5 से 10, तो 5, 7 और 10 आ रहा, बट अपर को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे 5 एंड 7, तो कितने इसके फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएंगे। फिर आते हैं आपका 10 से 15 के बीच, तो देखिए 10, 12, 15, तो अपर लिमिट नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 10 एंड 12, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आते हैं 15 टू 20, तो 15, 18 एंड 20, 20 को तो नहीं लेना, अपर को नहीं लेना है, सिर्फ 15 एंड 20, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब है 20 से 25, तो 20, 22, 23 एंड 25 को तो नहीं लेना, ये अपर लिमिट है, तो 1, 2, 3, 20, 22 एंड 23, तो इसमें हो जाएगा आपका 3। और लास्ट है 25 से 30, तो इसमें 25 एंड 28 आ रहा थी, दोनों को काउंट कर लेंगे ये 2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाया एंड देन फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा अपर लिमिट जिसमें 5 था, तो इसमें नहीं रख के अगले 5 से 10 में, लोअर में 5 था तो उसको इंक्लूड किए, बट अपर में जब 10 था उसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको अगले इंटरवल में हम लोगों ने काउंट किया। इस तरह से हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, इस कंटिन्यूस फॉर्म में, इस 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये कंटिन्यूस चला जा रहा, कहीं ब्रेक नहीं कर रहा। और जो अपर लिमिट को हम इस कभी भी नहीं लेंगे, अपर लिमिट वाला जो है वो नेक्स्ट में जो लोअर लिमिट बन जाता है उसमें ऐड होगा, अपर लिमिट वाले को हटा देना, सिर्फ लोअर लिमिट को हमें ऐड करना। अब आते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास, इंक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटिन्यूस फॉर्म। इसमें कह रहा है ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसमें हमें जो क्लास इंटरवल है अपर लिमिट भी लेंगे और लोअर लिमिट भी लेंगे, दोनों लेंगे। तो देखिए इसका जो एक डाटा है, एग्जाम्पल में मैंने एक डाटा दिया है 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, एक डाटा है। उसमें क्लास इंटरवल में हमने 0, 5, 6, 10, 11, 15, फिर 16 टू 20, 21 टू 25, 26 टू 30, तो क्लास इंटरवल मैंने बनाया है। देखिए डिसकंटिन्यूस फॉर्म में 0 से 5 जा रहा, फिर 6 से 10 जा रहा, फिर 11 से 15 जा रहा, डिसकंटिन्यूस होते जा रहे, इसीलिए हम इसको इंक्लूसिव फॉर्म या डिसकंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर 0 से 5 के बीच में लोअर अपर दोनों लेंगे, तो देखते हैं 0 से 5 के बीच में क्या क्या आता है, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 5 ऑल्सो, जो अपर लिमिट है वो भी हम लेंगे, तो 2, 3, 5, 3, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3। एंड 6 से 10 के बीच में, तो 6, 8 एंड 10, इसमें भी 3 इसकी फ्रिक्वेंसी, तो इसमें भी हम लोग 3 लिखेंगे। फिर 11 से 15, तो 11, 13 एंड 15, ये तीनों आ जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 3 होगी। फिर 16 टू 20, तो 16, 17, 18, 19, 20, इसमें टोटल 5 हो जाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट भी हमको लेना है, इसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग 5 लिखेंगे। फिर हमें 21 से 25, फिर 21, 22, 24, 25, 4 हो जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।
एंड देन 26 to 30, तो 26 to 30, 1, 2, 3, इसमें 3, इसकी फ्रिक्वेंसी हमें 3 आ जाएगी। इसमें देखिए जैसे 0 से 5 था तो 5 अपर लिमिट है, तो अपर को अभी हम लोगों ने काउंट किया। 6 से 10 है तो 6 लोअर है और 10 अपर है, तो लोअर अपर दोनों को हम लोगों ने काउंट किया, तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बनेंगे। और ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में 0 से 5 फिर 6 चला जाता है, 10 फिर 11 चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग ए डिसकंटिन्यूस और इंक्लूसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि लोअर और अपर दोनों हम लोग ऐड करते हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा इंक्लूसिव फॉर्म है। अब इस तरह से ही आप इस क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करोगे, जो स्टैटिक्स में जो भी अरेंज करने के लिए देगा, क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी उस तरह से। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसका था, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।